राम जी नमस्कार गाइस, स्वागत है सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी देखो जी शाम हो चुकी है, शाम से ज्यादा हो चुकी है, 7:15 हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है जी, सुबह से ही जो है, सुबह से मतलब 2:30 बजे से मैं अपने प्रोजेक्ट में लगा पड़ा हूँ। देखो इतनी सारी सीट्स मैंने लिख ली हैं, और इको का भी आधा प्रोजेक्ट मेरा उसके अंदर ही है, आधा क्या पूरा ही। और काफ़ी सारी सीट्स मैं जाके दोबारा लाया था, ठीक है, जो तो ख़त्म हो गई थी। मुझे लग रहा था काम हो जाएगा पर काम हुआ नहीं, और मेरे को लानी ही पड़ी। अभी तो जस्ट मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रहा था, डालने वाला जो मेरे को आज डालना था, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया डालने में मैं, नहीं तो 6-7 बजे के करीब मेरी वीडियो आ जाती है। पर आज 7:30 होने वाले हैं, ठीक है, लगभग बज चुके हैं, तो अभी मेरी वीडियो नहीं आई। अभी तो मैं सबसे पहले ये काम मैंने रोक दिया था एक आधे पौने घंटे के लिए, मैं सबसे पहले अपनी वीडियो एडिट कर रहा था। तो अभी मैं वीडियो एडिट करूंगा और फिर कोशिश करूंगा अगले 15-20 मिनट में डल जाए वो, मतलब टाइम से डल जाए, 8 बजे तक भी डल जाए तो लोगों के खाने के टाइम तक तो लोग देख ही लेंगे, लोगों को पहुंच जाएगी वीडियो। बीच बीच में गाइस आपको वीडियो स्किप एक एक दिन छोड़ छोड़ के डालना पड़ रहा है, कभी कभी वीडियो छूट जा रही है, जैसे एक दिन बीच में कल भी छूटी शायद, या उससे पहले भी 2-3 दिन छूटी, तो माफ कर देना गाइस, क्योंकि अभी एक तो पढ़ना भी पड़ रहा है, ऊपर साथ साथ प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, तो इसलिए थोड़ा अभी 4-5 दिन जाए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। अब एक बार प्रोजेक्ट का सारा सिलसिला खत्म हो जाए तो उसके बाद सिर्फ पढ़ाई रहेगी, तो पढ़ाई के साथ तो ब्लॉगिंग अपना निकल जाता है 1-2 घंटे के लिए, पर प्रोजेक्ट में थोड़ा जो है एक्स्ट्रा टाइम फूकना पड़ता है, तो ये भी मैनेज कर लेना है, 3-4-5 दिन की बात है ज्यादा नहीं। वरना कोशिश तो मेरी पूरी है, चाहता था मैं कल भी डालना था पर मेरे को टाइम नहीं मिला, फिर कल और लेट हो गया, कल 8:15 बज गए, पता ही चलो कब बज गए। फिर उसके बाद तो कहीं डालता, मैंने कहा भाई लेट डालने से अच्छा, और भी फिर फटाफट में एडिट भी अच्छी नहीं हो पाती, तो मैं सोचा कल एकदम बढ़िया ब्लॉग बना के डालेंगे। तो अभी तो बस यही चल रहा है अपना, और चटनी इसके साथ मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे चटनी पसंद नहीं है, इसके साथ जो आती है भरी वाली, ना ही मूली पसंद जो इसके साथ मूली आती है चिली चिलाई। तो गाइस देखिए अभी यार मैं प्रोजेक्ट बना बना के थक गया हूँ पिछले 2-3 दिन से, कसम से बता रहा हूँ मैं। पहले इको को बनाया, ठीक है, अब ये अकाउंट्स का बनाने में मेरी ऐसे से हुई जा रही है, देखो इतनी सारी शीट्स वहां पड़ी है, ये एक शीट तो ऐसे ही है जिसमें स्केच पेन में देख रहा हूँ कौन सा चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, और इतनी सारी शीट्स मेरे और हैं, ये शीट अभी नहीं निकाली, इस पर और काम करना आगे का मेरे को, ठीक है। और खाना वाना मैंने अभी खाया है, जस्ट 10:15 बजे करीब खा के उठाता मैं, वही जी देखो सर्दियों का टाइम है, ठीक है, यही गोबर बन रहा है घर में, हरी सब्जी फलानी सब्जी डिमकाना सब्जी, तो वही खानी पड़ी। आप तो हमें कब तक भूखे मरे जिंदगी में, और कितना ही बाहर से आ जाए, ठीक है ना, कल तो चलो मैंने बाहर से मंगा लिया, आज तो मंगाने नहीं दे रहे थे, क्या तू मंगा के दिखा, तू मंगा के दिखा, तो कहीं क्या करें, वही खाना पड़ा। फिर मेरे पिछले 2-3 दिन से मेरे बिस्तर का हाल कुछ इसी तरह का है, हर जगह कागज बिखरे पड़े, और ये फलानी फलानी, देखो जी सारा सिस्टम खराब हो रखा है मेरे कमरे का 2-3 दिन से, पर कोई बात नहीं गाइस, थोड़े बहुत दिन की बात है। और गाइस एक चीज और है जो मैं आपको दिखानी भूल गया था, जो कि मेरे को बहुत पहले दिखा देनी चाहिए थी, कि देखे देख लो ये जो मेरा बैंड है, ये बैंड मैंने चेंज कर दिया था अपना, पहले जो था मेरा जय श्री राम वाला बैंड था, जो लोग मेरा व्लॉग बहुत पहले से देख रहे हो, जब से मैंने स्टार्ट किया था सितंबर से मान लो तुम, तो उन्हें पता होगा पहले मेरे पे जय श्री राम वाला बैंड था, लेकिन फिर मैं वो बैंड जो था थोड़ा फटफट सा गया था और बेकार सा हो गया था, तो मैंने फेंका नहीं है, वो मेरे पास है फ्रिज के ऊपर पड़ा हुआ, तो मैंने ये वाला चेंज कर लिया महाकाल वाला, लेने तो मैं जय श्री राम वाला ही गया था, पर महाकाल वाला मिल गया तो जी महाकाल वाला ले, राम जी का मिल जाए महाकाल का मिल जाए कृष्ण जी का मिल जाए, बात ये एक ही है जी, रूप अलग अलग है, ठीक है, भगवान तो है एक ही बस। थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट जो मेरा अभी तक अकाउंट्स का बना वो दिखाई देता हूँ आपको, 3-4-5 चीजें, तो जैसे ये देखो ये तो अमाउंट वाला सिस्टम है, और ये तो इंट्रो की चीजें हो गई, नाम वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बनाया मैं, जितना मेरे बस की चीज़ उतना ही बना रहा हूँ। इस पे है जी कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, अब किस किस बारे में प्रोजेक्ट है ये तो बहुत लंबी कहानी है, कभी और बैठ के बताऊँगा, पहले सबमिट कर आऊँ मैं। ये देखो जी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली है, ठीक है, इसी का ही कोटक महिंद्रा बैंक का, और वो भी है, और इसके अंदर भी काफी सारे पेजेस और पड़े हैं, और अभी बना ही रहा हूँ मैं बैठा। ज्यादा काम जो है वो BST प्रोजेक्ट में है, उसमें इसमें तो फिर भी कोई फोटो नहीं चुपकानी, इसमें तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है और बाकी ऐसे लिखने का काम है, उसमें लिखना भी है प्लस एक्सटर्नल फोटोज भी चुपकानी है, जो पता नहीं क्या कह रही है, वो तो मैं अभी बना ही नहीं रहा, वो एक बार मैम से अच्छी तरह समझ का हूँ कैसे चीजें बनानी है, तो वही तभी बनाऊंगा मैं। और अकाउंट में मेरे को जस्ट जो है इंटरव्यू रह रहा है लिखना है उसमें, और एक एक्नॉलेजमेंट जो कि मैम अभी भेजेंगी क्या लिखना है, मैं या शायद भेज भी दिया होगा, लिख दूंगा एक आधे दिन में। तो अपना तो ये सिस्टम चल रहा है, और अभी आप छोटा सा एक टाइम लैप्स देखिए।